Hello friends, and welcome to the next lecture of Programmable Interrupt Controller, which is Intel 8259. So far we have seen so many interfacing devices, and now this is the last one, which is the Programmable Interrupt Controller. तो अब तक हमने इंटरप्ट्स के बारे में 8085, 8086 इसके बारे में देखा, समझा व्हाट आर द इंटरप्ट्स, व्हाट आर द डिफरेंट वैराइटीज ऑफ इंटरप्ट्स हियर, एंड इंटरप्ट्स आर रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप अपने प्रोसेसर के साथ कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं एंड इट मे रिक्वायर इन बिटवीन द सर्विसेज ऑफ द प्रोसेसर, तो उस डिवाइस को प्रोसेसर पर इंटरप्ट भेजना पड़ेगा. And we have seen the different varieties of interrupts. We have learned about maskable, non-maskable, vectored, non-vectored interrupts. So let's see कि एक hardware chip, एक 8259 नाम की chip कैसे हमें help करेगी interrupts को handle करने में. So let's try to understand first of all the features of programmable interrupt controller, which whose number is 8259. So यहाँ पर आप features देख सकते हैं. एक चिप के पास, 18259 चिप के पास, देर आर 8 इंटरप्ट्स एंड द नेम इज रिटन एज 8 प्रायोरिटी इंटरप्ट्स. अगर हमारे पास मल्टीपल इंटरप्ट्स आते हैं, सो हाउ डू वी हैंडल देम. इंटरप्ट्स का मतलब हमारे पास कोई दो लोग आए किसी काम से, तो जो बंदा हमारे पास पहले आया होगा हम उसको पहले उसकी बात सुनेंगे, उसका काम करेंगे, जो नेक्स्ट आया है उसको अगला काम देंगे. इट मे सो हैपन कि दोनों लोग एक साथ एक ही समय पर आते हैं, तो वहाँ हम कैसे डिसाइड करेंगे. वहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉब्लम, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क, उससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसको हमें पहले प्रायोरिटी देना है और किसको हमें बाद में प्रायोरिटी देना है. सो इन द सेम वे 8259 भी डिसाइड करता है इन प्रायोरिटी लेवल्स को कि किस इंटरप्ट को हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको लोअर प्रायोरिटी देनी है, एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाई द नेम हेयर इज रिटन एज 8 प्रायोरिटी इंटरप्ट्स. सो कहने का मतलब है कि एक चिप 8259 की 8 डिवाइसेस के इंटरप्ट्स को एक टाइम पे हैंडल कर सकती है. देन सेकेंड थिंग इज ऑल दीज इंटरप्ट्स आर वेक्टर्ड. सो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स के बारे में हमने 8085 और 8086 के टाइम देखा था. वेक्टर्ड मीन्स कि जिसका लोकेशन हमें पता है कि ये इस वेक्टर का जो सर्विस रूटीन है, जो प्रोग्राम है, वो किस मेमोरी लोकेशन पे जाके सेव्ड है. सो दैट मीन्स वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर टेबल. 8259 के पास एक वेक्टर टेबल होगा जहाँ पर वो ये लोकेट करेगा कि अगर पिन नंबर 1 पे इंटरप्ट आ रहा है तो उसका इंटरप्ट कहाँ होगा, पिन नंबर 2 पे आ रहा है तो उसका इंटरप्ट कहाँ होगा. सो दैट मीन्स एड्रेस यहाँ पर हमें प्री डिफाइंड होगा, प्री लोकेटेड होगा. देन दिस 8259 की जो लिमिटेशन है वो है 8 डिवाइसेस तक, यानी कि आप 8 डिवाइसेस एट अ टाइम माइक्रोप्रोसेसर के साथ यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं वाया 8259. लेकिन अगर हमें 8 डिवाइसेस से ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ करने हैं तो क्या हम कर सकते हैं. इन दैट केस वी विल बी कैस्केडिंग 8259 चिप्स. सो द नेक्स्ट फीचर स्टेट्स कि वी हैव टू कैस्केड 9 8259 चिप्स. तो 9 8259 चिप्स हम कैसे कैस्केड करेंगे. सो यू कैन सी दिस इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम. वी हैव एन 8259 मास्टर. इस मास्टर के पास अपने 8 पिन्स हैं, विच मीन्स द पिन्स विल बी नंबर्ड फ्रॉम 0, 1 टिल 7. तो इस तरीके से हमारे पास 8 पिन्स हैं. हर पिन के साथ हमने एक 8259 चिप लगा दिया है एंड दीज ऑल विल बी नोन एज द स्लेव्स. अब इन स्लेव्स के पास अपने 8 इनपुट्स हैं एज द इंटरप्ट्स. सो इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स विच वी हैव, सो दैट मीन्स 8 स्लेव्स, 8 inputs of each. So how much total we are getting? We are getting a total of 64 interrupts. यानी कि आप cascading के through maximum 64 interrupts at a time handle कर सकते हैं. लेकिन cascading operation में थोड़ी सी complexity हमारी बढ़ जाती है. Circuit की तो बढ़ेगी but programming की भी बढ़ेगी because you have to set up the priority of all the 8 interrupts here. यानी कि कौन सा स्लेव को आप किस प्रायोरिटी पर लेकर जा रहे हैं, किसको हायर प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको लोअर प्रायोरिटी दे रहे हैं. देन ईच स्लेव इज हैविंग देयर ओन इंटरप्ट्स. सो दैट मीन्स उनकी भी अपनी एक प्रायोरिटी लेवल होगा.
So, every slave will have the priority level of the interrupts which they are having. So, that means कि जब भी कोई interrupt occur होगा, कोई interrupt आएगा, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि किस slave से आया है, उस slave की priority क्या है, then उस slave में उस interrupt की क्या priority है. So, interrupts जो है, जो priority है, वो two levels पे जाके check होगी. Okay, so next which we can talk about is of the interrupt mask register. Masked interrupts हमने पढ़े थे, so mask interrupts and there is a non-maskable interrupt also. So masking means to disable. कभी कभी किसी program के through हम किसी एक particular interrupt pin को disable भी कर सकते हैं as per the requirement of your particular system. So in that case there is a mask register which is associated with this 8259 chip. इसकी detail हम इसके block diagram की study के दौरान detail में देखेंगे. But as till this point even understand कि आप किस bit की masking करते हैं, उसका status इस mask register के पास रहेगा. Let's say for example we have masked interrupt number 5. तो इंटरप्ट नंबर 5 को हमने डिसेबल कर दिया, ये इंफॉर्मेशन रहेगी इंटरप्ट मास रजिस्टर के पास. सो जब भी इंटरप्ट नंबर 5 में नंबर 5 इंटरप्ट जनरेट करेगी, इट विल स्टॉप दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट टू ऑपरेट. ओके, टिल द टाइम कि हम इस मास्किंग को हटा दें, इस डिसेबल को एनेबल में कन्वर्ट कर दें. देन देयर इज वन इंपॉर्टेंट फीचर रिगार्डिंग 8259 एंड दैट इज कि 8259 कैन बी प्रोग्राम्ड टू एक्सेप्ट ईदर लेवल ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड इंटरप्ट रिक्वेस्ट. सो व्हाट इज दिस लेवल ट्रिगर्ड, व्हाट इज एज ट्रिगर्ड? लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव अ क्लॉक साइकिल इन दिस शेप. दिस इज अ ट्रेपेजॉइडल शेप जो आप देख सकते हो यहाँ पर क्लॉक साइकिल की. एंड इन दिस शेप दिस इज नोन एज द लेवल. ठीक है, तो यानी कि लेवल आपका हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है. हम कहाँ पर उसको अनेबल कराना चाहते हैं अपने इंटरप्ट को, दैट वी कैन वर्क आउट विद द प्रोग्राम. और एज ट्रिगर्ड, सो एज ट्रिगर्ड मींस दीज आर द एजेस. सो एज मींस कि अगर हम बात करते हैं लीडिंग एजेस की, सो लीडिंग मींस दिस वन, दैट मींस वी आर गोइंग अप टूवर्ड्स द हायर साइड. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेलिंग एजेस, ट्रेलिंग एजेस का मतलब है डाउनवर्ड्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लो साइड. तो यहाँ पर हम प्रोग्राम कर सकते हैं कि हमें लेवल ट्रिगरिंग करानी है या हमें एज ट्रिगरिंग करानी है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8259. तो 8259 के ब्लॉक के पास आप ये देख सकते हैं, वी हैव अ डेटा बस बफर, वी हैव रीड राइट लॉजिक, कैस्केड बफर एंड कंपैरेटर. वी विल सी हाउ दिस विल बी फंक्शनिंग. देन इन द फीचर्स वी हैव लर्नड अबाउट द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. और इसके अलावा जो हमारे पास रजिस्टर्स हैं वो है कंट्रोल लॉजिक, इन सर्विस रजिस्टर, द प्रायोरिटी रिजॉल्वर एंड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, जिसके साथ हमारे ये 8 इंटरप्ट पिंस कनेक्टेड रहेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज पिंस वन बाय वन. सो लेट्स टॉक अबाउट द डेटा बस बफर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोसेसर से कोई कंट्रोल वर्ड है उसको रीड करना है, या हमें किसी इंटरप्ट के स्टेटस को रीड करना है, उसके लिए हम डेटा बस बफर का यूज करेंगे. मोर ओवर कोई भी कम्युनिकेशन अगर हम प्रोसेसर के साथ कर रहे हैं, अगेन विद रिस्पेक्ट टू द कंट्रोल वर्ड और द स्टेटस वर्ड, सो वी आर ऑलवेज मेकिंग दिस कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल बस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. नेक्स्ट ब्लॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है रीड राइट लॉजिक. नाउ रीड राइट लॉजिक के पास 4 पिंस हैं. सी एस बार इज ऑफकोर्स देयर टू एनेबल द चिप. यानी कि अगर हम यहाँ लॉजिक 0 देंगे तो 8259 एक्टिव मोड में आ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग. देन A0 पिन इज बीइंग यूज्ड फ्रॉम द एड्रेस लाइंस. ओके, एंड वी हैव द रीड एंड द राइट सिग्नल्स अकॉर्डिंगली कि हमें स्टेटस को रीड करना है या कंट्रोल वर्ड को राइट करना है. सो अकॉर्डिंगली रीड एंड द राइट पिंस विल वर्क. सो कहने का मतलब है कंट्रोल वर्ड हमेशा राइट किया जाएगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में, 8259 के कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में. उस केस में राइट पिन जो है वो अनेबल होगा. सो अनेबल करने का मतलब है राइट के पास लॉजिक होगा 0.
और अगर हमें किसी इंटरप्ट के स्टेटस को रीड करना है कि अभी उसकी सर्विसिंग चल रही है या उसकी सर्विसिंग फिनिश हो चुकी है, या हमने किसी इंटरप्ट को क्या मास्क यानी कि डिसेबल कर दिया है, अगर हमें इस तरह का स्टेटस रीड करना है, सो इन दैट केस द रीड पिन विल बी अनेबल्ड. सो दैट मीन्स रीड के पास लॉजिक होगा ज़ीरो. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये कि अगर हम रीडिंग ऑपरेशन करा रहे हैं सो ऑफ कोर्स लॉजिक ज़ीरो आप यहाँ देंगे, लेकिन उस केस में राइट के पास लॉजिक होना चाहिए वन टू अवॉइड एनी अन अवॉइडेड ऑपरेशन. यानी कि एक्सीडेंटली भी अगर कोई गलती से राइटिंग को इंसर्ट करना चाहे, रीडिंग और राइटिंग एक साथ इंसर्ट नहीं हो सकते. सिमिलर इज द केस कि अगर हम राइटिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं, इन दैट केस द लॉजिक एट रीड पिन शुड बी वन. दोनों ना एक साथ जीरो हो सकते हैं और ना एक साथ वन लॉजिक पर आ सकते हैं. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल लॉजिक. अब किसी डिवाइस ने इनपुट इंटरप्ट जनरेट किया, सो हाउ विल द माइक्रोप्रोसेसर नो कि इंटरप्ट जनरेट हुआ है. इन दैट केस देर इज अ पिन which you can see in this block diagram, which is this INT pin. So this is known as the interrupt pin. ये interrupt pin कहाँ connected होगी to INTR pin of microprocessor. तो जैसे ही किसी device ने interrupt create किया, interrupt generate किया, INT pin will go high and this will give a high signal to the INTR pin of the microprocessor and that's how the microprocessor will know कि कोई interrupt generate हुआ है. अब जैसे ही माइक्रोप्रोसेसर ने अपने उस इंटरप्ट को देखा, उसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन को लोकेट किया कि किस लोकेशन पर उसका सर्विस रूटीन है, सेव्ड है, वो क्या करेगा, अपनी फंक्शनिंग को वहीं स्टॉप कर देगा. यानी कि इट विल टेक अ पॉज, इट विल गो इनटू द आइडल स्टेट और ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर इंटरप्ट को. सो बिफोर इट स्टार्ट प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू इट, INTA बार सिग्नल जनरेट होगा. ये कहाँ से जनरेट होगा, फ्रॉम द इंटरप्ट एक्नॉलेज पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. तो वहाँ से आएगा लॉजिक ज़ीरो एंड इट्स हेयर ऑल्सो इट इज़ INTA बार. सो बार मीन्स इट्स एन एक्टिव लो सिग्नल, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉजिक ज़ीरो. सो दिस वे द कंट्रोल लॉजिक विल नो कि माइक्रोप्रोसेसर ने इंटरप्ट को एक्सेप्ट किया है और उसके सर्विस रूटीन को वो एग्जीक्यूट करने वाला है. सो आफ्टर इंटरप्ट एक्नॉलेज दैट एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर विच इज IRR इन शॉर्ट. नाउ एज यू कैन सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम देर आर 8 पिन्स विच आर कनेक्टेड टू इट. IR0 से IR7 तक हमारे पास IR स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट. यानी कि 0 से लेकर 7 तक हमारे पास 8 पिन्स है. इस 8 पिन्स के साथ हमारे 8 डिवाइसेस कनेक्टेड हो सकते हैं एंड जो भी इंटरप्ट किसी पिन पे जब भी इंटरप्ट जनरेट होगा तो वहां पर हो जाएगा लॉजिक 1. सो इफ आई एम सेइंग कि IR1 ने इंटरप्ट जनरेट किया तो यहां पर लॉजिक हो जाएगा 0 और जिसने इंटरप्ट जनरेट नहीं किया वहां पर उसका लॉजिक हो जाएगा 0. सो द पर्पस ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर इज टू स्टोर द इंटरप्ट लेवल. इंटरप्ट लेवल मतलब कि किस पिन से इंटरप्ट जनरेट हुआ है और किससे नहीं हुआ है, कौन सा इंटरप्ट डिवाइस ऐसा है जो नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है. तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर के पास रहेगी. नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या इसको हम इन सर्विस रूटीन भी बुलाते हैं एंड इन शॉर्ट दिस इज नोन एज ISR. तो किस इंटरप्ट का क्या लेवल चल रहा है. ओके, जितने भी इंटरप्ट हमारे करंटली अभी सर्विस हो रहे हैं तो उनका क्या क्या लेवल है, क्या उसका इंटरप्ट रूटीन कंप्लीट होने वाला है या अभी उसका वो इनिशिएट हुआ है और इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस. सो ये सारा स्टेटस इन सर्विस रजिस्टर के पास रहेगा. देन नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट अ ब्लॉक विच इज नोन एज द प्रायोरिटी रिजॉल्वर. इन शॉर्ट दिस इज PR प्रायोरिटी रिजॉल्वर. एज द नेम इज कि किस इंटरप्ट की क्या प्रायोरिटी है उसका स्टेटस ये रखेगा. सो दैट मीन्स इफ आई नाउ ट्राई टू सम अप द फंक्शनिंग ऑफ दीज थ्री रजिस्टर्स विच इज IRR, PR एंड ISR, क्या है, किस तरह से ये तीनों आपस में फंक्शन कर रहे हैं. लेट्स से IR1 हैज जनरेटेड एन इंटरप्ट, तो यहां पर हुआ लॉजिक 1 और ये लॉजिक
1 जैसे ही आया, सो दिस IIR विल सेंड अ सिग्नल टू द प्रायोरिटी रिजॉल्वर. अब प्रायोरिटी रिजॉल्वर क्या काम है इसका, उस इंटरप्ट का प्रायोरिटी को चेक करना. अगर यहाँ से सिंगल पिन ने इंटरप्ट जनरेट किया है, देन देर इज नो नीड टू चेक द प्रायोरिटी, क्योंकि वही पिन को वो एक्सेप्ट करेगा और 8259 उसकी सर्विसिंग का रिक्वेस्ट माइक्रोप्रोसेसर को भेज देगा. बट लेट्स से कि IR1 के साथ साथ यहाँ से एक IR5 नाम की भी पिन है जिसने इंटरप्ट जनरेट किया, उसका भी लॉजिक 1 हुआ. अब इन दोनों की इंफॉर्मेशन जाएगी प्रायोरिटी रिजॉल्वर के पास. अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि IR0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है और IR7 की लोवेस्ट प्रायोरिटी है, सो इन दैट केस द प्रायोरिटी ऑफ IR1 इज मोर देन द प्रायोरिटी ऑफ IR5. सो इन दैट केस क्या होगा, प्रायोरिटी रिजॉल्वर बताएगा कि IR1 की हाई प्रायोरिटी है तो उसकी सर्विसिंग पहले स्टार्ट होगी, यानी कि उसका जो रिक्वेस्ट है वो माइक्रोप्रोसेसर के पास पहले जाएगा, और पहले जाने के लिए वो आएगा इन सर्विस रूटीन के पास, एंड थ्रू दिस इन सर्विस रूटीन कंट्रोल लॉजिक को बताएगा, एंड देन दिस INT पिन विल गिव अ सिग्नल टू द INTR पिन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, एंड इट विल टेल दैट सम इंटरप्ट इज देयर टू बी फॉर बीइंग सर्विस्ड. जब 1 की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद IR5 को ये एक्सेप्ट करेगा प्रायोरिटी रिजॉल्वर, और इसके सिग्नल्स फिर माइक्रोप्रोसेसर के पास कम्युनिकेट होंगे. सो दिस वे द प्रायोरिटी रिजॉल्वर विल हेल्प टू रिड्यूस एनी एम्बिग्यूटी इन बिटवीन, कि अगर एक या अगर दो या दो से ज़्यादा इंटरप्ट्स जनरेट हो जाते हैं तो. नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरप्ट मास्क रजिस्टर. अगर हमने किसी इंटरप्ट को प्रोग्राम के थ्रू डिसेबल कर दिया है, सो डिसेबलिंग कैन बी परमानेंट, इट कैन बी टेम्प्रेरी ऑल्सो. हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को डिसेबल करना चाहते हैं, मे बी दैट डिवाइस इज आउट ऑफ सर्विस और इट इज नो लॉन्गर इन यूज, तो उस केस में मास्क रजिस्टर का यूज करेंगे. सो एज एंड व्हेन द रिक्वेस्ट इज बीइंग प्लेस्ड इन IRR, सो IMR का पर्पस है चेक करना कि क्या उस इंटरप्ट को मास्क तो नहीं किया, मास्क यानी कि डिसेबल तो नहीं किया. अगर उसको डिसेबल कर दिया गया है तो उसका फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा, बट अगर उसकी मास्किंग नहीं है यानी कि उसको डिसेबल नहीं किया है, देन द एंटायर प्रोसेसिंग विल स्टार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन देयर दैट इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ मास्किंग बिट्स ऑफ द इंटरप्ट लाइंस टू बी मास्क्ड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैस्केड बफर और द कंपैरेटर ब्लॉक. नाउ व्हाट दिस कैस्केडिंग इज ऑल अबाउट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो कैस्केड मीन्स कि जब हम अपने इंटरप्ट लेवल्स को बढ़ाएंगे, फीचर्स के दौरान हमने एक चीज़ समझी कि 8259 को आप मास्टर एज वेल एज स्लेव की तरह यूज़ कर सकते हैं, एंड आई हैव रिप्रोड्यूस द डायग्राम हियर फॉर योर रेफरेंस. सो कैस्केड ऑपरेशन का मतलब क्या है कि मास्टर जो है दैट विल जनरेट द कंट्रोल सिग्नल्स विच आर नेसेसरी फॉर द कैस्केड ऑपरेशंस, यानी कि वो प्रायोरिटी रिजॉल्वर की तरह भी वर्क करेगा कि किस स्लेव की हायर प्रायोरिटी है, उस स्लेव के जो भी मल्टीपल इंटरप्ट्स जनरेट हुए हैं उनकी क्या प्रायोरिटी है. सो एवरीथिंग विल बी वर्कड आउट हियर. और कैस्केडिंग ऑपरेशन में डेफिनेटली वी कैन एक्सपेंड द कैपेबिलिटी टिल द 64 प्रायोरिटी इंटरप्ट्स, एंड of course 8259 can be used as a master or slave by utilizing this pin SP bar by EN bar pin. तो cascade operation पहली बात हमें तब करना है जब हमें अपने interrupt capability को expand करना है, यानी कि from 8 pins till 64 priority interrupts. तो 64 is the maximum capability जहां तक हम workout कर सकते हैं. So for that we have 3 pins with us, CAS0, CAS1, CAS2, and all these 3 are bi-directional. Yani ki jab hum cascade operation mein work karenge, to ye bi-directional pins as an input behave karengi for the master, as an output behave karengi for the slave. Now what is this SP bar by EN bar pin? So for this the name is written here, it stands for slave program enable buffer. So what this slave program is, let's start with the enable buffer first of all. Agar hum buffered mode mein work kar rahe hain,
यानी कि अभी हमारा कैस्केडिंग मोड स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इस केस में हम डेटा बस को बफर कर सकते हैं. बफरिंग मीन्स वी आर स्टोरिंग द डेटा फॉर सम टाइम, टेम्परेरी उसको स्टोर कर रहे हैं. इन दैट केस अगर हमें बफरिंग मोड ऑन करना है तो इस पिन पे हम देंगे जीरो, क्योंकि EN बार है, सो बार इज एन एक्टिव लो सिग्नल. बट अगर नॉन बफर्ड मोड है, नॉन बफर्ड मोड का मतलब है अब हम कैस्केड ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और अगर ये मास्टर की तरह यूज होगा तो इस पिन पे हम सिग्नल देंगे वन. सो इफ वी आर वर्किंग एज अ मास्टर, अगर 8259 मास्टर की तरह वर्क कर रहा है तो सिग्नल इस पे जाएगा वन. लेकिन अगर आप इसको स्लेव की तरह वर्क करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉजिक जाएगा जीरो, बिकॉज SP स्टैंड्स फॉर द स्लेव प्रोग्राम एंड द पिन सेज SP बार. सो अगेन दिस इज एन एक्टिव लो सिग्नल. तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है दैट EN विल वर्क जब हम कैस्केड ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इट इज़ वर्किंग एज अ सिंगल चिप. और अगर हम कैस्केड की तरह वर्क करवा रहे हैं, कैस्केडिंग की तरह वर्क करा रहे हैं, वी आर एक्सपेंडिंग द कैपेबिलिटी, तो SP बार यानी कि स्लेव प्रोग्राम को हमें एनेबल या डिसेबल करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली फॉर द मास्टर एंड द स्लेव जॉब. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू सेटअप द प्रायोरिटी विद 8259 इंटरप्ट्स, ठीक है. तो हमारे पास 8 इंटरप्ट्स हैं यहाँ पर, उन 8 इंटरप्ट्स की प्रायोरिटी हम कैसे सेट कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ सेटिंग द प्रायोरिटी विच इज नोन एज फुली नेस्टेड मोड. सो फुली नेस्टेड मोड में यहाँ पर आप देख सकते हैं देर इज एन 8-bit पैटर्न हियर, ओके, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम IR0 टू IR7. और फुली नेस्टेड मोड में बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी प्रायोरिटी मोड 8259 को नहीं देते हैं देन दिस इज द डिफॉल्ट मोड, ओके. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. डिफॉल्ट मोड में IR0 को मिलेगी हाईएस्ट प्रायोरिटी और IR7 को मिलेगी लोएस्ट प्रायोरिटी. लेकिन एक चीज यहां पर हमें ध्यान रखनी है, अगर 8259 एक सिंगल चिप की तरह वर्क कर रहा है तो हमें क्या ध्यान देना है. हमें ध्यान देना है जब भी किसी इंटरप्ट की सर्विस रूटीन कंप्लीट हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, इन दैट केस लास्ट में हमें एंड ऑफ इंटरप्ट यानी कि EOI कमांड प्रोग्राम में लिखना है, विच मीन्स EOI अगर आप नहीं लिखेंगे तो प्रोसेसर को ये पता नहीं चलेगा कि इंटरप्ट की सर्विसिंग फिनिश हो चुकी है. सो दैट्स व्हाई द नेम इज एंड ऑफ इंटरप्ट. लेकिन अगर हम 8259 को मास्टर मोड में वर्क करवा रहे हैं तो यहां पर हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए यहां पर आएगा AEOI विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड, ओके. तो जैसे ही AEOI कमांड इशू हो जाएगी ऑटोमेटिकली हमारा इंटरप्ट का सर्विस रूटीन फिनिश हो गया है, वहां पर INTA बार की लास्ट साइकिल के बाद माइक्रोप्रोसेसर विल रिज्यूम बैक टू इट्स ऑपरेशन. देन अनदर प्रायोरिटी मोड इज नोन एज स्पेशल फुली नेस्टेड मोड. अब स्पेशल फुली नेस्टेड मोड ऑलमोस्ट सिमिलर है फुली नेस्टेड मोड के, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है दैट दिस इज यूज इन द कैस्केड मोड. कैस्केड मीन्स मास्टर स्लेव मोड में ये यूज होता है. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड हेयर इज दैट कि जब भी किसी स्लेव से हमें इंटरप्ट मिलेगा, यानी कि मास्टर को इंटरप्ट मिलेगा, उस केस में स्लेव इज अलाउड टू प्लेस इंटरप्ट्स ऑफ हायर प्रायोरिटी देन इट हैज रिक्वेस्टेड बिफोर. सो कहने का मतलब है, आई विल टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल हियर, लेट्स सी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्लेव नंबर 2. स्लेव नंबर 2 के IR5 का इंटरप्ट अभी सर्विस हो रहा है, लेट्स से. तो स्लेव नंबर 2 के हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स क्या हुए? हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट्स का मतलब है वी आर टॉकिंग फ्रॉम IR0 टिल IR4. तो यानी कि IR0 से IR4 अभी भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, बट इससे नीचे, इससे लोअर प्रायोरिटी का मतलब 6 एंड 7, ये दोनों रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते. सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय स्पेशली फुली नेस्टेड मोड. देन नेक्स्ट इज द रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड. अब रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड में भी दो पार्ट्स हैं, दो कैटेगरीज हैं कि हम रोटेट कैसे कर सकते हैं प्रायोरिटी को. सो फर्स्ट वन इज द ऑटोमेटिक रोटेशन.
ऑटोमेटिक रोटेशन का सेंस ये है, आपने बाय डिफॉल्ट कुछ भी एक प्रायोरिटी दे दी. एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि IR3 को जस्ट अभी सर्विस मिला है, इसने कोई इंटरप्ट जनरेट किया एंड अकॉर्डिंगली इट हैज़ बीइंग सर्विस्ड. तो अब नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रायोरिटी कैसे सेट होगी? IR3 को मिल जाएगी लोएस्ट प्रायोरिटी एंड देन यू कैन राइट द नेक्स्ट नंबर अदर नंबर्स इन द सीक्वेंस. सो दैट मीन्स 7 यहाँ लिख दिया, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सो यू कैन सेट अप द प्रायोरिटी लाइक दिस. तो ये ऑटोमेटिक रोटेशन है बाय डिफॉल्ट. जैसे ही नेक्स्ट साइकिल में किसी और इंटरप्ट को मिलेगा, लेट्स से IR6 ने इंटरप्ट जनरेट किया, तो नेक्स्ट साइकिल में क्या हो जाएगा, इसको लोएस्ट मिल जाएगी एंड देन द अदर वंस टिल 0 है. अनदर काइंड ऑफ प्रायोरिटी रोटेटिंग प्रायोरिटी मोड इज द स्पेसिफिक रोटेशन. यहाँ पर क्या है, प्रोग्रामर डिफाइन कर सकता है कि हमें किसको हाईएस्ट रखना है और किसको लोएस्ट रखना है, और ये प्रायोरिटी उसको डिफाइन करने के बाद फिक्स हो जाती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल द प्रोग्रामर हैज़ फिक्स्ड IR2 टू द लोएस्ट प्रायोरिटी और बाकी नंबर्स हम सीक्वेंस में उसको लिख सकते हैं. सो कहने का मतलब है कि IR7 विल ऑलवेज बी एट द लोएस्ट प्रायोरिटी एंड इन दिस वे IR2 will be always at the lowest priority and IR1 will always have the highest priority. ये प्रोग्राम के थ्रू हमने फिक्स कर दिया है. Now what is the special mask mode? Special mask mode में यहाँ पर priority जो है वो dynamically हम change कर सकते हैं. कहने का मतलब है, when a mask bit is set, it inhibits further interrupts. That means लेट्स से IR4 हमने मास्क कर दिया, दिस इज बीइंग मास्क्ड. सो व्हाट विल हैपन कि IR4 अब जनरेट नहीं होगा. IR4 कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट अगर प्लेस करेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट एनी इंटरप्ट विच इज ऑफ द हायर और द लोअर प्रायोरिटी वो इंटरप्ट जनरेट कर सकता है. सो दैट मीन्स इंटरप्ट अब कौन जनरेट कर सकता है? इंटरप्ट जनरेशन हो सकता है फ्रॉम 0 to 3 एंड फ्रॉम 5 to 7, बट IR4 को जब तक उसके ऊपर मास्किंग रहेगी यानी कि वो डिसेबल रहेगा तब तक इसको सर्विस नहीं मिलेगी. देन द लास्ट मोड ऑफ 8 to 5 9 इज द पोल मोड. अब पोल मोड में क्या है कि INT पिन यानी कि इंटरप्ट पिन 8 to 5 9 का हम यूज ही नहीं करते हैं, बट अ पोलिंग कमांड इज यूज. नाउ व्हाट अ पोलिंग कमांड इज कि माइक्रोप्रोसेसर खुद से हर बार चेक करेगा क्या इंटरप्ट जनरेट हुआ. सो लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ एन ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल हेयर, या आप इसे एक रोबोट की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं. तो पोलिंग मोड में क्या है, जो हमारा मेन प्रोग्राम चल रहा है, मेन प्रोग्राम कह रहा है रोबोट से टू मूव फॉरवर्ड. अब रोबोट हमारा फॉरवर्ड मूव करता जा रहा है, देन मूव फॉरवर्ड का जैसे ही पूरा इंस्ट्रक्शन सेट कंप्लीट हो जाएगा तब वो सेंसर को चेक करेगा. सो लेट्स से वी हैव पुट अप एन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सेंसर देयर. अब वो उस सेंसर के लॉजिक को चेक करेगा कि क्या उसको ऑब्स्टेकल मिला, उसने सेंस किया, या उसको कोई ऑब्स्टेकल सेंस नहीं हुआ. सो दैट मीन्स पहले उसने डिफॉल्ट प्रोग्राम चलाया, उस प्रोग्राम की कंप्लीट एग्जीक्यूशन के बाद उसने इंटरप्ट यानी कि सेंसर को चेक किया, उसके स्टेटस को चेक किया, देन इट हैज चेक वेदर एन ऑब्स्टेकल इज देयर और नॉट. अगर तो ऑब्स्टेकल हुआ तो इधर इट विल स्टॉप और इट विल टर्न, जैसा भी हमने उसको प्रोग्राम दिया होगा, एंड आफ्टर दैट इट विल अगेन यू नो रिज्यूम बैक विद द नॉर्मल प्रोग्रामिंग जो भी उसका मूव फॉरवर्ड का चल रहा था. अगर ऑब्स्टेकल नहीं आया तो अगेन इट विल रिज्यूम बैक टू इट्स नॉर्मल ऑपरेशन. तो ये है पोलिंग कमांड, जहां पर हर बार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम द माइक्रोप्रोसेसर इज गोइंग टू चेक इटसेल्फ कि क्या सेंसर ने कोई इंटरप्ट जनरेट किया. इसके कंपैरिजन में अगर हम इंटरप्ट कमांड्स को देखें तो क्या है, हियर एक प्रोग्राम हमारा मूव कर रहा है मूव फॉरवर्ड, दिस इज अ डिफॉल्ट प्रोग्राम, और यही प्रोग्राम हमारा चलता जा रहा है बाय डिफॉल्ट और हमारा रोबोट जो है वो मूव करता जा रहा है. लेकिन 8 to 5 9 के साथ क्या किया, हमने ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का सेंसर लगा दिया, और जैसे ही उस सेंसर ने ऑब्स्टेकल को सेंस किया, सो व्हाट विल हैपन, इट विल जनरेट एन इंटरप्ट. ओके, तो यानी कि माइक्रोप्रोसेसर तो बिजी था अपना डिफॉल्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए, इट वॉज हार्डली बॉदर्ड व्हाट द सेंसर इज सेंसिंग.
वो बॉदरेशन ली किसने, 8259 ने. और जैसे ही 8259 ने उस सेंसर से सिग्नल पिक किया दैट इट हैज सेंस सम ऑब्स्टेकल इन बिटवीन, तो उसने इंटरप्ट भेजा माइक्रोप्रोसेसर को कि कुछ इंटरप्ट आया है. और जैसे ही इसने इंटरप्ट देखा तो क्या होगा, इधर इट विल स्टॉप और इट विल टर्न, यानी कि वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन हमारी एग्जीक्यूट होनी स्टार्ट हो जाएगी. और जैसे ही वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन हमारी कंप्लीट हुई, इट विल रिज्यूम बैक द ऑपरेशन टू मूव फॉरवर्ड. इसके कंपैरिजन में अगर हम पोलिंग मोड को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रोसेसर कभी भी फ्री नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर नॉर्मल प्रोग्राम भी रन कर रहा है, प्रोसेसर इंटरप्ट्स को भी चेक कर रहा है लाइक दिस. बट बाय द टाइम हियर, यू नो, जब वो इंटरप्ट को बता रहा है तो यहाँ पर द माइक्रोप्रोसेसर विल गेट सम टाइम इन बिटवीन टू मे बी टू टेक रेस्ट, मे बी टू चेक आउट कि अब मुझे अगर इंटरप्ट सर्विस रूटीन का प्रोग्राम रन करना है तो मुझे वो किस मेमोरी लोकेशन से लोकेट कराना है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो ऑफकोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रायोरिटी मोड 8259 के साथ वर्कआउट कराना है. सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप यू हैव क्वाइट अंडरस्टूड अबाउट द 8259 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर. फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे इस मेल आईडी पर बता सकते हैं. सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग.